नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। श्योपुर दरोगा के भरोसे कराहल जैसे बड़े थाने की कमान, नतीजा पुलिस कसावट में आई कमी। थाने के सामने ही दौड़ रहे हैं भूसे के ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली, जिनसे हो सकता है कोई बड़ा हादसा। मंडी रोड और मुख्य बाजार में आए दिन लगते हैं जाम, पुलिस नहीं कर पा रही कार्यवाही। खबर मध्य प्रदेश के श्योपुर के कराहल से है, जहां कुछ दिनों पहले कराहल थाने के पूर्व TI संजीव तिवारी जब से प्रमोशन होकर गए हैं, तभी से कराहल थाने में किसी नए TI पदस्थ नहीं हुए हैं, जिसके चलते कराहल थाने का प्रभार सब इंस्पेक्टर योगेशनाथ शर्मा पर बना हुआ है, जिसका नतीजा ये हो रहा है शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल हो गई है। करियादेह तिराहे पर आए दिन जाम लगा रहता है, वहीं भूसे का परिवहन कर रहे लोग ट्रॉली में सड़क परिवहन नियम की धज्जियां उड़ाते हुए ट्रॉली में इतना भूसा लोड कर लेते हैं, ट्रॉली का ट्रला बना देते हैं, जिससे सड़कों पर जाम लग जाता है। मगर पुलिस कर्मियों को थाने के सामने से गुजरती हुई यह ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं दिखती है। चूंकि अभी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता भी लगी हुई है, ऐसा पहली बार हुआ है कि चुनावों में शांति व्यवस्था के मद्देनजर आदतन अपराधियों पर भी कोई जिला बदर की कार्यवाही कराहल थाने द्वारा अब तक नहीं की गई है। वहीं नशा माफियाओं के खिलाफ भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। सूत्र बताते हैं कि आमजन की शिकायतों का भी ठीक तरह से समाधान थाने पर TI न होने के चलते नहीं हो पा रहा है। अब देखना होगा कि नवागत पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद कब तक नए थाना प्रभारी की तैनाती कराहल थाने पर करते हैं। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। जो मंडी रोड पर जो लगातार जाम लगे आ रहे हैं, हम देखते हैं कि भूसे की ओवरलोड लोड जो ट्रॉलियां हैं उनसे लगातार जाम लग रहे हैं, क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस इन पर? नहीं, कार्रवाई पुलिस कर रही है। जब भी चालानी कार्रवाई यहाँ पर थाने के सामने होती है तो जो भी ओवरलोड मतलब भूसे आते हैं उन पर मतलब चालान हो रही है और उनको मतलब समझाइश भी दी जा रही है कि आपको मतलब जितनी आपकी मतलब ट्रॉली है आप उतना ही भूसा लेकर जाइए। लेकिन सर आप भी देखते हैं कि भूसा तो ट्रॉली से भी ज़्यादा बाहर निकला होता है और हाईवे पर भी इनसे जाम लग जाते हैं। दूसरा सर, एक वीडियो आज एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें थाने के सामने से ही ओवरलोड ट्रॉली जा रही है और पुलिस चुपचाप खड़ी देख रही है, सर इस पर क्या कहोगे? एक तो ये हमेशा बोलते हैं मतलब किसानों का भूसा है, इसलिए मतलब पुलिस थोड़ी सी उसमें वो करती है, उनको मतलब रियायत देती है। हम फिर भी हमेशा हिदायत देते हैं कि आप उतना ही भूसा रखिए जितनी आपकी मतलब ट्रॉली में आता है, भले ही आप ऊंचा कर लो लेकिन दाएं बाएं नहीं निकलना चाहिए जिससे मतलब जनता को परेशानी हो। तो कहीं ना कहीं सर अब जो ओवरलोड ट्रॉलियां देखेंगे उन पर सर अब लगातार कार्रवाई होंगी? लगातार कार्रवाई करूंगा मैं सर। दूसरा सर, जब से DSP पद पर पदोन्नत होकर TI यहां से गए हैं तब से सर आप ही पर कराल थाने का चार्ज है, तो सर आपके द्वारा क्या कार्रवाइयाँ उसी गति से की जा रही हैं? हाँ, कार्रवाई उसी गति से हो रही हैं। हम जुए वालों को भी हम तलाश कर रहे हैं और तकरीबन डेली ये अपने गांजा पीने वालों पर भी कार्रवाई हो रही हैं, दारू के भी मतलब केस बन रहे हैं, डेली केस बन रहे हैं और लगातार मतलब इसमें कस्बा में भ्रमण हो रहा है, लोगों को मतलब समझाइश दे रहे हैं और लगातार मतलब हम लोग केस बना रहे हैं। और ये चुनाव को देखते हुए अपराधी हैं उनको भी बाउंड ओवर कर रहे हैं, 110 बना रहे हैं, प्रॉपर कार्रवाई की जा रही है।